हेलो, मैं हूं नवीन कुरवाला, स्पोकन इंग्लिश में पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर। स्वागत है आप सबका इस वीडियो में, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं 10 पोलाइट वेज टू से थैंक यू। हम जब भी किसी को थैंक यू बोलते हैं तो देखते हैं सामने वाले ने हमारे ऊपर कितना फेवर किया है। अगर छोटी सी बात है जिसके लिए आप धन्यवाद देना चाहते हैं, शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, तो हम नॉर्मल वे में कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने आपके ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है तो आप थोड़ा उसे अच्छे तरीके से बोलना चाहते हैं। तो इन 10 वेज में आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मुझे किस जगह और किस व्यक्ति को किस प्रकार से थैंक यू करना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे नॉर्मल वे में किसी को शुक्रिया अदा करेंगे तो बोलेंगे थैंक्स। उससे ज्यादा आपको बोलना है तो बोलेंगे थैंक्स अ लॉट। उससे भी अच्छा बोलना है तो बोलेंगे थैंक यू वेरी मच, या फिर बोल सकते हैं थैंक यू सो मच। अगर पोलाइट वे में बोलना है तो एक और अच्छा तरीका है थैंक यू काइंडली। नेक्स्ट हमारा तरीका है आई कांट थैंक यू इनफ, मैं तुम्हें इससे ज्यादा थैंक यू नहीं कर सकता, तो इस प्रकार से बोलेंगे। सेवंथ वाला है आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू, मुझे पता नहीं कि मैं तुम्हें तुम्हारा शुक्रिया किस प्रकार से अदा करूं। नेक्स्ट है हमारा थैंक यू फॉर ऑल योर हेल्प, जो भी तुमने मेरी मदद की है उसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। और उससे भी बेटर बोलना है तो आप बोलेंगे थैंक यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट, मतलब मैं तहे दिल से तुम्हें शुक्रिया अदा करता हूँ। नेक्स्ट हमारा थैंक्स अटन फॉर ऑल योर सपोर्ट, सबसे ज्यादा आपको अच्छे तरीके से शुक्रिया अदा करना है तो सबसे एडवांस में आप बोल सकते हैं थैंक्स अटन फॉर ऑल योर सपोर्ट। तो इस प्रकार से आप देखिए कि आप जब भी किसी को शुक्रिया अदा कर रहे हैं तो कितनी आपको जरूरत है, उसके अनुसार इनमें से कोई भी तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्टीमेटली मैं भी आपको धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि और भी आप नए वीडियोस देख सकें। अल्टीमेटली थैंक्स फॉर वॉचिंग।